नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज बड़ी बड़ी महासागर और झील के बारे में बताऊंगा, तो नीचे दिए लाइक बटन को आप दबा दीजिए। शेष जल और झीलों की नदियों के वायुमंडल में उपयोग और जल की मात्रा में आप पूरा बड़ी बड़ी जानकारी है। और नदियों के अलावा बड़ी बड़ी झील और नदी पाई जाती है हमारे इस भारत देश और विश्व में। नदियों में मिलियन हेक्टेयर के रूप में 7 मिलियन हेक्टेयर पाया जाता है और नदियों नहरों में 1,200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जल बहती है। प्रदेश में पहला स्थान जो उत्तर प्रदेश को माना जाता है, वही दूसरा स्थान जम्मू कश्मीर को भी माना जाता है। तीसरा स्थान मध्य प्रदेश को माना जाता है, जो जल के रूप में नहर और झील बहुत ही अधिक पाई जाती है। 2.9% तालाब और जलाशय 2.1% है। अधिकांश तालाब कुंज क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु दक्षिण राज्य में पाई जाती है। आप जानते होंगे शरीर में हमारी जल के बिना चल ही नहीं पाती है। यदि इंसान के पास भोजन न हो तो 1 माह तक जीवित रह सकती है, लेकिन जल के बाद 1 क्षण जीवित नहीं रह सकती। करीब हमारे शरीर जल से ही बना हुआ है। उनका 90% शरीर जल का बना रहता है, 60% जल होता है। मस्तिष्क में 85% जल पाई जाती है, वही रक्त में 79% जल पाई जाती है और फेफड़ों में 80% जल पाया जाता है। पृथ्वी पर जल के केवल 75%, लेकिन 97% समुद्र में है। बाकी 3% पीने योग्य इंसान का है, बाकी सभी नमकीन हो चुकी है। इसका अर्थ है कि यदि हम 1-1 किलोमीटर का डब्बा बनवाएं तो करीब हमको 1,33,50,000 करोड़ रुपए डब्बा बन सकता है। समुद्र तल में नमकीन क्यों होता है, इसका कारण मैं आपको पूरी बताऊंगा। वर्षा जल में भूमि गिरने से वायुमंडल फैलने से कार्बन डाइऑक्साइड अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। ये अम्ल में परिवर्तित होने के बाद चट्टानों में विघटन करती हुई एक नमकीन जल को प्रवाहित करके नमकीन जल बन जाता है। समुद्र जल में विघटन के लगभग 35% इसमें समुद्र का नहीं नमकीन हो जाता है। दोस्तों, इस छोटी सी जानकारी को आप